मेघालय बीजेपी अध्यक्ष भी खाते हैं बीफ, बताया खाने पीने की आदतों का हिस्सा। बीफ खाने वालों और बेचने वालों के खिलाफ आक्रामक रहने वाली बीजेपी को अब मेघालय बीजेपी अध्यक्ष ने ही झटका दे दिया है। पूर्वोत्तर में बीफ के प्रचलन को लेकर यहां बीजेपी नेता अर्नेस्ट मावरी ने कहा है कि वो मजे से बीफ खाते हैं और राज्य में इसे खाने पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी में बीफ खाने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। मावरी बोले कि वो बीफ खाते हैं लेकिन फिर भी बीजेपी में है। अर्नेस्ट मावरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बीजेपी किसी धर्म संप्रदाय या खास व्यक्ति की पार्टी नहीं है, यह आजादी है। बीफ खाने से किसी को कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि बीफ हमारी खाने की आदतों का हिस्सा है और हम जो चाहे वो खा सकते हैं। मावरी से इस दौरान एक काउंटर सवाल ये भी किया गया कि बीफ गाय का मांस होती है और सनातन धर्म में बीजेपी के अनुसार गाय खाना गलत है, तो इसको लेकर भी मावरी ने कहा कि ये उनकी आदतों में शामिल है। उन्होंने कहा कि बीफ पर मेघालय में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध है ही नहीं। मावरी ने कहा कि कोई भी मेघालय में बीफ खाने के लिए स्वतंत्र है। अर्नेस्ट मावरी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कॉमेडियन राजीव निगम ने ट्वीट किया, अब बीजेपी में है तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। बीफ खाइए, बीफ बेचिए और दूसरा कोई ऐसा कुछ करे तो उसको पटक के मार भी सकते हैं। सर्वाधिकार सुरक्षित है क्योंकि आप बीजेपी से है, बाकी टेंशन वो लोग ले जो बीजेपी में नहीं है, सुदर्शन न्यूज के कथित पत्रकार सागर कुमार ने कहा। जेपी नड्डा जी, इस व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाओ जो टीवी चैनल पर बैठकर डंके की चोट पर कह रहा है हाँ मैं गौ मांस खाता हूँ। पत्रकार निसार सिद्दीकी ने सुदर्शन न्यूज के कथित पत्रकार सागर कुमार से कहा, बीजेपी और जेपी नड्डा तो जैसे चवन्नी छाप ट्रोलर के कहने पर अपना प्रदेश अध्यक्ष कभी नहीं बदलेंगे। राजनीति में वोट और सत्ता मायने रखती है और तुम लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि किसी पार्टी की नीति और नियम को बदलने की ताकत रख सको। कुएं के मेंढक हो, वहीं टर्र टर्र करते रहो। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने सुदर्शन न्यूज वाले से कहा, और नड्डा जी ने अगर चुनाव तक नहीं हटाया तो? वो तो कह चुका है उसके गौ मांस खाने से भाजपा को आपत्ति है ही नहीं, जब खाने से नहीं तो उसके द्वारा गौ वध से भी आपत्ति नहीं होगी। अब तुम शो कब कर रहे हो ये बताओ, या भाजपा के गौ भक्षी होने पर सिर्फ ट्वीट करके जिम्मेदारी से भागोगे? विनोद कुमार वाल्मीकि नाम के एक यूजर ने ट्वीट में कहा, बिल्कुल सर, आप तो कुछ भी खा या कर सकते हैं क्योंकि आप भाजपा नेता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि ये हमारी आदतों और संस्कृति का हिस्सा है, बीफ खाना कोई बुरी बात नहीं है। मावरी ने बीजेपी के चुनावी अभियान को लेकर कहा कि वे 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और वो अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रखे हुए हैं। मेघालय बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।